तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके भी साथ यह प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फेसबुक अकाउंट में टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन नहीं सो रहा है, टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों किस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं, किस तरह से आप टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड के ऑप्शन को ला सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको 100% कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिसको यूज करने के बाद दोस्तों आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों उस सेटिंग को करने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले तो प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च बार पे सर्च करना है फेसबुक, एंड फेसबुक के सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फेसबुक अपडेट मांग रहा है, तो यहाँ पे अभी आपको अपडेट नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फेसबुक पे एक बार फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन द बीटा। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन का, आपको सिंपली ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। बीटा वर्जन को ज्वाइन करने के बाद दोस्तों होगा क्या कि आपको फेसबुक की तरफ से जो भी नए अपडेट नहीं मिले हैं, जो भी नए फीचर्स आपको नहीं मिले हैं, वो फीचर आपके फेसबुक अकाउंट में आ जाएगा। इतना करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले फेसबुक यदि अपडेट मांग रहा है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर लेता हूँ। फेसबुक को अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको यहां से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहां पे अपने प्रोफाइल के लोगो पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है। इसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का। लेकिन दोस्तों यदि आपको यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा योर प्रोफाइल लिंक का। इसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉपी लिंक का, आपको सिंपली कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने प्रोफाइल लिंक को कॉपी कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से एक बार बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे जो प्रोफाइल दिख रहा है आपको सिंपली इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पे फेसबुक के होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प एंड सपोर्ट का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेक फोन टू रिपोर्ट अ प्रॉब्लम को यहाँ पे ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद आपको फिर से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग का, आपको सिंपली सेटिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट पहले से ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसको कट कर देना है। कट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिस्क्राइब द इशू। तो गाइस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैं आपको यहाँ पे कॉपी किया हूँ तो पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है डियर फेसबुक टीम, आई कैन नॉट यूज टू टर्न ऑन फेसबुक प्रोफेशनल मोड, देयर वॉज नॉट शोइंग प्रोफेशनल मोड on my Facebook account, so please solve this problem as soon as possible। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे नीचे थैंक यू लिख देना है, थैंक यू फेसबुक टीम। लिखने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पे जो एक ऑप्शन दिख रहा है सेंड का, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा, तो आपके यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट कर लेना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पे जो मेल है, जो भी आपने भी स्क्रीनशॉट सेंड किया है, वो फेसबुक टीम के पास पहुंच जाएगा। इसके बाद दोस्तों फेसबुक की टीम आपके फेसबुक प्रोफाइल को चेक करेगी। इसके बाद दोस्तों आपके फेसबुक अकाउंट में टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद है तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।